हेलो बैंक, लोन मिलेगा? किसे चाहिए? सर वो गलत शहर में घुस गया था और अभी टोल कट रहा है मैं भर के, और यहाँ से वन वे टोल है तो वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है भाई। यहाँ से लोन लिया, ठीक है, जैसे तैसे करके दो तीन बैंकों से लोन उठा के फाइनली शहर के अंदर पहुँच गए। ओह चलो अब घर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से चले वापसी में फिर उतनी टोल। एक काम करते हैं, घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शहर ही अच्छा है ना, यहाँ भीख भीख मांग कर खा लेंगे। तो भाई लोग फिर से आ गए मैं एक और बेहतरीन सिटी स्काईलाइन की गेम प्ले वीडियो में, और भाई लोग तुम्हारी जो पिछली वाली वीडियो में सपोर्ट था एकदम मज़ा आ गया है ना, मतलब मुझे ऐसा एकदम अंदर से इतना मोटिवेशन हुआ ना कि भाई आज वेडनेसडे कोई वीडियो आ रही है, और हाँ आज नववर्ष भी है तो नववर्ष की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं एकदम ऐसा दिल से गेम हार्ट बीट के हार्ट से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं है ना भाई, एकदम मजे करो, ठीक है, नववर्ष तुम्हारे लिए एकदम मंगलमय हो। और पिछली वाली वीडियो में हमने काफी कुछ बढ़िया बनाया था भाई, एकदम हमने नेक्स्ट लेवल एकदम बढ़िया अच्छा सीएम बनने की कोशिश करी थी और अपना एक काफी बड़ा शहर बना लिया था हमने। उसके बाद में हमने क्या सोचा था कि टोल लगा देंगे काफी सारे जिससे कि हमें अच्छी खासी इनकम हो सके, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था टोल चलता कैसे, काम कैसे करता है ना, तो दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने वीडियो बीच में छोड़ दी थी। लेकिन अब मुझे पता है कि टोल कैसे चल सकता है ना, तो करते हैं, ठीक है। और भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के हो जाना चाहिए वीडियो में, क्योंकि मजा आना चाहिए है ना भाई, तुम्हें वीडियो देखने मजा आना चाहिए, मुझे वीडियो बनाने मजा आना चाहिए, क्योंकि भाई जो तुम्हारे भाई ने कम्युनिटी पोस्ट कंडक्ट कराई थी उसमें भी तुम लोगों ने यही कहा था कि भाई हमें अभी चाहिए सिटी स्काईलाइन की वीडियो। इस वेडनेसडे ही 100% पोल आया था भाई, तो आ गई यार वीडियो, अब शेयर वेयर करके तुम इसे कर दो एकदम बढ़िया एकदम नेक्स्ट लेवल है ना। और सैटरडे को भी वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि वेडनेसडे को आएगी तो अब नहीं आएगी, नहीं नहीं सैटरडे को भी आएगी, लेकिन आज भी आ गई, दो वीडियोज आएंगे हफ्ते की, इसे भी अच्छा सपोर्ट दिखाओ, अगर नहीं आया तो क्या है फिर भाई, सैटरडे करेंगे कंटिन्यू है ना, लेकिन तुम्हें ऐसा करना मत, तुम्हें भी गेम पसंद आ रहा है, मुझे बनाने में मजा आ रहा है, ऐसे चलता रहना चाहिए ना, डिमांड सप्लाई है ना, डिमांड सप्लाई गैप तो समझते ही हो, तो चलता रहना चाहिए वो चीज़, तो समझ जाओ, समझदार हो। मैं वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है भाई। तो अभी हमने टाइम रोक रखा है शहर का, और मुझे पता ही था ये टोल काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो भाई मैं जो पावर लाइन बन रखी ना उसे तोड़ता हूँ, क्योंकि पावर लाइन से कुछ खास काम वाम नहीं आने वाली, यहाँ तक क्या है भाई इस टोल के इलाके में ही इसे किसी और पावर लाइन की ब्लू जोन चाहिए, और यहाँ तक टावर तो आ ही नहीं सकता एकदम है ना, तो ये दिक्कत आ रखी है, तो मैं अभी तो बताता हूँ कि होगा कैसे ये। और मैं क्या करने वाला हूँ भाई, अब मैं इस टोल को भी बदलने वाला हूँ, ये भाई क्या है टू लेन टोल है, मतलब यहाँ से इधर से जाने वाली गाड़ियाँ भी इस पर टोल कटवाएंगी, उधर से आने वाली भी, लेकिन मैं अब यहाँ वन वे टोल बनवाने वाला हूँ, क्योंकि टू वे टोल की वजह से कंजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसे हटाओ इसको भी, ठीक है भाई। तो ये वन वे टोल बूथ है, और ये क्या है कंजेशन नहीं करेगा, इससे भाई सीधी ऐसी गाड़ियाँ आके टोल कटा कटा के जाती रहेंगी, तो एक यहाँ पे बनाते हैं, एक इसके बाद जो दूसरी साइड के लिए, ठीक है। तो भाई लोग अभी अपने टाइम रोक रखा है, और हमने बहुत सारे टोल्स बना दिए इस इलाके में, तुम्हें एक बार ऊपर से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है इलाका पूरा टोल्स वाला, ये देखो भाई पजल सांप सीढ़ी, और अभी अपना शहर ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भाई सड़कों का माया जाल, यहाँ पीछे भाई बिल्डिंगों का माया जाल चल रहे हो, कुछ तो चल नहीं रहा है ना। ये भाई बंदा अंदर ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, यहाँ पे टोल, ठीक है, यहाँ पे घुसा, यहाँ टोल, फिर मुड़ा टोल। मैं सही बताऊँ आधे बंदों को तो लोन लेना पड़ेगा शहर के अंदर घुसने के लिए, इतने सारे टोल से पार होके। और मैं बता रहा हूँ जो बंदे छोड़ छोड़ के जाए थे ना अभी शहर, इतने सारे टोल को देख के वो तो नहीं छोड़ने वाले शहर, वो कहेंगे भैया, क्योंकि जितने टोल अभी आने के रास्ते में देख लो ना तुम, ये सारी की सारी वन वे रोड है ना, तो अभी इस वाली सड़क से इस वाले रास्ते से सिर्फ जाई जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले रास्ते भी उतनी टोल जितने जाने वाले रास्ते पे हैं, ठीक है भाई देखो टोल ही टोल, ठीक है यहाँ पे टोल अभी तक मतलब हम एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। ये वापसी से अभी हम ऐसे जाए थे इसी रास्ते पे, अभी हम ऐसे उधर की साइड जाए थे और वापसी चलने शुरू हो गए टोल देते देते, ठीक है, और यहाँ से ऐसे इधर से मुड़े, और ये क्या कहते हैं यहाँ पे फिर टोल, ठीक है, आजू बाजू में दोनों साइड गए, यहाँ से मुड़े, और ये फाइनली शहर आ गया, चलो चलते हैं अंदर। भाई सोचो किसी के रिश्तेदार आ रहे हैं शहर के अंदर, नू कहेंगे अरे भाई साहब क्या बताएं, इतने टोल है हमने तो गरीब हो गए, साला क्या रास्ता बना रखा है एकदम सांप जैसा है, कभी इधर जाओ हम तो रास्ता कंफ्यूज आ गए। तो भाई करीब करीब 24 टोल है आने जाने दोनों के रास्ते पे, इन टोटल 48 टोल पर पड़ेंगे किसी को, सड़क देखो एक बार कैसे जा रही है,
पहले ऐसे जूप करके इधर गई, फिर इधर, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से इधर चली गई, फिर यहाँ से वापस, अब यहाँ पे क्या कहते हैं खिचड़ी बना के यहाँ से आगे शहर के अंदर मिल रही है। वो भाई टोल टैक्स भी काम करता हूँ, सबका फुल कर देता हूँ। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, सोचो कोई बंदा गलती से घुस गया, कोई तो शहर में आने नहीं चाहता, गलती से आ गया शहर में, भाई वन वे टोल है सारे के सारे, तो वापसी जाने का कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है भाई, यहाँ से गया अंदर, चलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है बैंक बैलेंस जीरो होने वाला है, और ठीक है बैंक बैलेंस जीरो हो गया है, कोई नहीं आगे चलते हैं। हेलो बैंक, लोन मिलेगा, किसे चाहिए? सर वो गलत शहर में घुस गया था और अभी टोल कट रहा है मैं भर के, और यहाँ से वन वे टोल है तो वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। भाई यहाँ से लोन लिया, ठीक है जैसे तैसे करके दो तीन बैंकों से लोन उठा के फाइनली शहर के अंदर पहुँच गए। ओह चलो अब घर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से चले वापसी में फिर उतनी टोल। एक काम करते हैं, घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे शहर ही अच्छा है ना, यहाँ भीख भीख मांग के खा लेंगे, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, पहले बड़ा बिजनेस करते थे तो भिखारी बन जाएंगे यहाँ पे, वो तो बन तो वैसे भी गए। अच्छा है बैंक के लोन मांगने वाले नहीं आने के, क्योंकि बैंक वालों का भी इतना ही टोल कटेगा तो वो भी नहीं आने के। अभी तक हम भिखारी रखे थे, हम गरीब हो रखे थे, अब जो यहाँ से भागने की कोशिश भी करेंगे ना वो भिखारी होएंगे, क्योंकि भाई देखो यार कितने टोल हैं, अगर किसी को यहाँ से घर छोड़ के निकलना है ना इस जगह से, तो इतने सारे टोल्स को पार करके जब निकल सकता है बाहर इतने में उसके सारे पैसे वैसे ही झाड़ लेंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएगा बंदा। तो भाई कहाँ कहाँ पे जाम है शहर के अंदर यार, एक तो इस इंटरसेक्शन पे जाम है, यहाँ पे जहाँ रेजिडेंशियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन मिलते हैं ना भाई, वो दुनिया भर का जाम लगा रखा है, सारी गाड़ियों को यहीं से इधर उधर होना है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे बनाऊँगा पीछे, यहाँ पे एक राउंड अबाउट बना दूंगा एक और इससे कनेक्ट करके, जिससे कि जो भी गाड़ी हो यहाँ से जा सके, और साथ ही साथ मैं इंडस्ट्रियल जोन को पीछे से कनेक्ट कर दूंगा जिससे कि सामने की साइड पे लोड कम पड़े। और यहाँ पे बनाना है मुझे एक हाईवे जो कि इस टोल वाले मायाजाल से कनेक्ट होता हो। और भाई इतने सारे टोल बनाने के लिए हमने एक बड़ा तगड़ा वाला लोन उठा रखा है, ठीक है, तो पहले उसको भरने का इंतजार करते हैं फिर बनाएंगे सारी चीज़ें। भाई एक बार इनकम देखो कितनी तकड़ी हो रही है हमें टोल से, भाई 4,500 डॉलर से ज़्यादा मिल रहा है लार्ज व्हीकल से, जो कि टोल लार्ज व्हीकल का टोल कट रहा है, और 500 डॉलर से ऊपर मिल रहा है भाई स्मॉल व्हीकल के टोल्स पे। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने कुछ नई सड़कें बनाई हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार पीछे के रस्ते पे। तो यहाँ क्या था भाई, जितना भी ट्रैफिक था ना सारा का सारा आगे जमा हो रखा था, मतलब जिन्हें क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन से रेजिडेंशियल जोन में भी जाना है ना, वो भी आगे से ही जा रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे था एक छोटा सा कट जो इस जगह को जोड़ता था, यहाँ पे भाई दुनिया भर का ट्रैफिक हो रखा था, ठीक है, तो हमने उस कट को एक तो ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे जिसे अब जोन मतलब जोन कह रहा हूँ जगह स्विच करनी हो वो अब कहाँ से कर सकता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है पूरी यहाँ पे एंड तक गए हम, यहाँ पे आ गए एंड तक, यहाँ से क्या है एक सड़क जा रही है, ये इंडस्ट्रियल जोन को भी आपस में कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये सड़क है, फिर क्या कहते हैं ये इस वाली सड़क से जाके मिल गई, अगर किसी को इस गली में जाना हो तो वो पीछे से जा सकता है, उसके बाद में इस गली से भी जाके मिल गई, सामने से तो मिली रखी है सारी सड़क, ये पीछे से ही मिल रखी है, और अगर किसी को यहाँ से पीछे मतलब रेजिडेंशियल वाले इलाके में जाना है तो क्या कर सकता है, यहाँ से गोल घूम के इस राउंड अबाउट को लेके और यहाँ पे जा सकता है, ये आगे रेजिडेंशियल वाले एरिया, यहाँ पे भी एक राउंड अबाउट है, यहाँ से ये गलियों को कनेक्ट करता है ये वाला राउंड अबाउट रेजिडेंशियल एरिया की, कोई भी यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया से रेजिडेंशियल एरिया में पहुँच सकता है, वहाँ पे स्विच नहीं करना पड़ेगा जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक कम रहेगा। और भाई अभी लाइट चली गई, मैं सही बता रहा हूँ आज बारिश हो रखी है और वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर है नहीं, है ना, UPS भी बनाता हूँ मैं और UPS ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, तो मुझे अभी थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ेगी वीडियो, फिर मैं करता हूँ वापस से स्टार्ट। जैसी दो बूंद पड़ती है भाई लाइट गायब। तो भाई लोग अभी अपने शहर में पानी की प्रॉब्लम आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस इलाके में जहाँ पे कोल पावर प्लांट है यहाँ तक लाइन नहीं पहुँच पाई थी ढंग से बिजली की, ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी पानी की शहर में, लेकिन अभी हमने लाइन कनेक्ट करी है यहाँ पे वापस से, ये कोल पावर प्लांट है यहाँ तक इसकी रेंज है, ठीक है, तो यहाँ से हमने एक टावर लेकर यहाँ से इससे लेकर यहाँ पे पूरी लाइन कनेक्ट कर दी एंड तक। तो भाई मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल वाले एरिया में ये खाली 6 लेन रोड आ रखी है जो कि इतनी भी अच्छी नहीं होती, काफ़ी अच्छी होती लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती, मैं क्या करता हूँ इसकी जगह पे हाईवे बना देता हूँ, ठीक है भाई लोग। तो ट्रैफिक की समस्या को सोल्व करने के लिए अभी हमने बड़े सही सा हाईवे बनाया है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, है ना, तो यहाँ से अपने टोल्स के माया जाल से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं अपने हाईवेज पे। तो भाई ये तो है इस साइड का लास्ट टोल और ये है इस साइड का लास्ट टोल,
मैं भूल गया कौन सा आने वाला था, कौन सा जाने वाला था, ठीक है। लेकिन जो भी है, तो यहाँ से क्या है, जैसे मान लो इस टोल से निकले, तो यहाँ से एक ऑप्शन तो रहेगा, यहाँ पे ये हाईवे जो है अंडरग्राउंड जा रहा है, यहाँ से नीचे गए जमीन के अंडरग्राउंड हाईवे में, यहाँ से एग्जिट हो गए, यहाँ पहुँच गए हम रेजिडेंशियल एरिया में। रेजिडेंशियल एरिया के कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है टोल्स के साथ में, ये क्या कहते हैं हाईवेज के थ्रू कनेक्शन है, जो मेन हाईवे जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से नीचे गए और इसमें पहुँच गए रेजिडेंशियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में अंदर गली गली है, ठीक है, तो गलियों का तुम्हें पता ही है। उसके बाद में यहाँ से सीधे 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 चले सड़क पर, चलते चलते यहाँ पहुँचे रेजिडेंशियल एरिया के एंड में। अगर किसी को रेजिडेंशियल एरिया से बाहर जाना है, मतलब बाहर जाना है शहर के, तो वो क्या है इस वाले हाईवे को पकड़ेगा, यहाँ से इस वाले हाईवे से होके इस हाईवे में मिल गए और बाहर चले गए। अगर मान लो किसी को इंडस्ट्रियल एरिया में काम है, तो यहाँ से गए और ये आ गया अपना इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे क्या है भाई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए जिसे आना है, मतलब यहाँ पे हाईवे पे इधर इस वाले हाईवे पे चढ़ना है, वो क्या है वो तो इधर से चढ़ जाएगा, ये वाला सड़क पकड़ेगा, यहाँ तो सारी इंडस्ट्रियल एरिया की गलियाँ गलियाँ हैं, ठीक है। तो गलियों के बारे में तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे क्या है जिसे हाईवे पे जाना है इन गलियों से बाहर या अंदर जाना है शहर के, वो क्या है इस वाली सड़क को पकड़ेगा, यहाँ से हाईवे पे चढ़ जाएगा। ऐसी साई में सड़क है ये, यहाँ पे इस साइड पे सड़क पकड़ेगा चढ़ जाएगा, इस साइड पे सड़क पकड़ेगा चढ़ जाएगा, क्योंकि हाईवे जो है साई के साई वन वे है, यहाँ पे भी ये इस साइड पे सड़क पकड़ेगा चढ़ जाएगा, यहाँ पे किसी को आना होगा तो इस साइड से आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे किसी को दूसरे वाले इलाके में आना होगा, तो क्या है यहाँ पे इस साइड के इसके ऊपर से कूद कर जगह है नहीं आने की, तो हमने क्या करा अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया, यहाँ से ऐसे जाएगा बंदा और अंडरग्राउंड हो के इधर निकल जाएगा। ऐसी सारी गलियों में ये अंडरग्राउंड यहाँ से घुसेंगे और यहाँ पे निकल जाएंगे गलियों में। और बाकी ये अपना हाईवे एकदम बेहतरीन वाला, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल जोन से, और रेजिडेंशियल जोन को भी हमने इस हाईवे के शुरुआत में यहाँ पे और एक साइड से यहाँ पे जोड़ दिया है। तो भी करके देखते हैं चालू शहर को, और मुझे तो लगता है भाई ट्रैफिक की समस्या एकदम ही जीरो हो गई होगी। देखो भाई क्या भगी भगी जा रही हैं गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं रुकने रुकाने में। अब मैं कहता हूँ जो पिछ वाली इंडस्ट्रियल एरिया की रोड थी ना, इसे तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी रोड है, और मतलब जब हमने गेम शुरू करा था उसी टाइम की बनी हुई है ये वाली रोड। तो मैं क्या इस वाली रोड को तोड़ कर भाई यहाँ पे 4 लेन रोड बना दूंगा, अभी तक 2 लेन भी पड़ी हुई है, यहाँ विकास नहीं हुआ अभी तो। भाई यहाँ पे सड़क बनाते बनाते यहाँ पे जितनी फैक्ट्री लग रखी थी वो भी सारी टूट गई, लेकिन अभी हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं देंगे किसी को भी, यहाँ पे पहले इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड बनने देंगे जब इंडस्ट्रियल जोन देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई लोग अभी हमने जो सामने वाला इलाका है शहर का रेजिडेंशियल का, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं, और मैं एक बार टाइम प्ले कर देता हूँ जिससे कि यहाँ से लोग अपने फालतू के घर हटा लें। और भाई इस पूरी जगह में हमने अभी भाई सड़क ही सड़क बना दी एकदम वही 4 लेन बेहतरीन वाली, और ये पूरा का पूरा इलाका घर बनाने के लिए एकदम बेहतरीन तैयार हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे जोन नहीं बनाई अभी, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दी, जिससे कि यहाँ पे ज़मीन की थोड़ी सी कीमत बढ़े, और जब हम जगह दें लोगों को रहने के लिए तो वो सही कीमत होगी ज़मीन की। और यहाँ पे आप पूरे के पूरे इलाके में भाई हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन बनाएंगे हम, लेकिन डिमांड आने के बाद। और अभी एक तरह से हमने आधा शहर बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ के एक बार सड़कें दिखाता हूँ कितनी सही हो रखी हैं इस टाइम, मतलब यहाँ ट्रैफिक जाम तो लग ही नहीं सकता बिल्कुल। कैसे भाई, यहाँ पे साई की साई सड़कें सामने से कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये तीन सड़क तीन का मतलब साई की साई सड़कें सामने से कनेक्टेड हैं ही, उसके बाद में पीछे जाके ये तीन सड़क आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस लाइन के थ्रू। अगर इन सड़कों से जाना हो इंडस्ट्रियल एरिया में, तो ये राउंड अबाउट आ जाता है, ये राउंड अबाउट से कनेक्टेड है इस वाली सड़क के थ्रू, इस वाली सड़क पे इधर से जाने के लिए ये है और इधर से जाने के लिए ये है, इस राउंड अबाउट से दूसरी सड़क ये निकलती है, ये पीछे दो सड़क एक दूसरे से कनेक्टेड है, सामने से ही कनेक्टेड है, पीछे से ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है। राउंड अबाउट के एक एग्जिट पे ये अकेली सड़क आ जाती है, उससे अलग ये राउंड अबाउट पीछे से दूसरा राउंड अबाउट से मिलता है, जो कि इस वाली इंडस्ट्रियल एरिया की सारी सड़कों को जोड़ता है। तो रेजिडेंशियल एरिया में तो भाई अब ट्रैफिक की कोई दिक्कत आने नहीं वाली, और अभी हमारे पास डिमांड भी काफ़ी आ गई है रेजिडेंशियल जोनिंग की, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन बनाते हैं जिससे कि लोग फटाफट अपने घर बनाना शुरू कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज भी चालू करी हैं, जैसे कि यहाँ पे शमशान है, सिमेट्री, यहाँ पे बस डिपोट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो हमने सोचा कि ना बस भी लगा दी जाए, चालू कर दी जाए, है ना। यहाँ पे फायर स्टेशन है, उसके साथ में यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हमने बनाना शुरू कर रखा है। ये है भाई एक स्टैचू ऑफ वेल्थ है, ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसी यहाँ पे इन्होंने स्टैचू ऑफ वेल्थ बना रखा है, ये दिखाता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है अब टोल लगने के बाद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये इलाका अभी तक हमने नहीं बेचा, यहाँ पे जो भी जमीन है वो नहीं बेची हमने, ठीक है। लेकिन
हमने ये इलाके में भाई पूरे में बिल्डिंग बिल्डिंग बनवा दी, सारी जमीन बेच दी हमने। और यहाँ पे अभी इतनी सारी बिल्डिंग है, देखो एक बार भाई, सारी की सारी हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। मतलब जो बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स होते हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग मल्टी स्टोरीड, वो बन रखे हैं यहाँ पे सारे में। और हमारे पास थोड़ी सी और डिमांड आ रखी है रेजिडेंशियल एरिया की, तो रेजिडेंशियल जोन बढ़ाते हैं। वो भाई ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, अभी अभी बनी है ये, इसकी वो हट रही है चालनी वाली जो बनी थी इसे लगाने में। उसके बाद में ये इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेजिडेंशियल एरिया से हम डायरेक्ट नहीं वो कर सकते। तो यहाँ पे एक सड़क हम कमर्शियल जोन की बना देंगे, तो इस टाइम पे शहर जो है अपना काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा बढ़िया एकदम महंगा वाला बन चुका है, नेक्स्ट लेवल सा। और हमने इसे ऐसा बनाने के लिए भाई एक टाइम में पूरा शहर खत्म कर दिया था, यहाँ पे सारी सड़कें तोड़ दी थी हमने लो डेंसिटी वाली और हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। और अभी और डिमांड आई है रेजिडेंशियल जोन की, तो वो देते हैं लोगों को भाई। एकदम से जोन मिलते ही प्लॉट कट के एकदम से बिल्डिंग बन गई, जैसी कहा कि भाई बना लो बिल्डिंग, बन गई भाई, बन गई, इतनी डिमांड है यहाँ पे। वो भाई काफ़ी सही जा रहा है अभी अपना शहर। तो भाई लोग आज वाली वीडियो बस इतना ही भाई। आज हमने पुराने शहर को मतलब एकदम बिल्कुल तोड़ फोड़ के पूरा बर्बाद करके है ना, और एक नया शहर बनाया है भाई, एकदम सर्विसेज सारी एकदम बेहतरीन करी, ट्रैफिक की समस्या एकदम खत्म, ठीक है, एकदम मतलब तकड़ा ही नेक्स्ट लेवल शहर बना दिया हमने। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल शहर बढ़िया लगा हो भाई, इसका जो मैंने तुम्हें दिखाया टू एकदम के कैसे बनाया हमने एक बेकार से सस्ते शहर से, जो हमने अपनी शुरुआत में पैसे बचाने के लिए बनाया था, उससे एकदम बेहतरीन टोल वोल लगा के एकदम पहले तो पैसे बनाए हमने और फिर भाई हमने शहर बनाया एकदम बेहतरीन करके। तो अगर तुम्हें सब कुछ बढ़िया लगा तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, भाई शेयर और सब्सक्राइब तो जरूरी कर दो, कमेंट मैं पढ़ता हूँ सारे के सारे, रिप्लाई भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, तो कमेंट कर दिया करो एक बार, करके तो देखो कि मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ या नहीं, मुझे पता भी है मेरी वीडियो पे क्या चल रहा है या नहीं, है ना, तो उससे पता लगाने का एक तरीका नीचे कमेंट करो। और मिलते हैं सैटरडे एक और वीडियो में सिटी स्काईलाइन की, और आगे कुछ कहते हैं बढ़िया सा तकड़ा सा बड़ा सा जो करके मजा आ जाए एकदम, है ना।